दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विपक्षी नेताओं को चिट्ठी लिखी है। पटना की बैठक से पहले अरविंद केजरीवाल ने विपक्षी नेताओं को चिट्ठी लिखी है। केजरीवाल ने इस चिट्ठी के जरिए मांग की है कि 23 जून को पटना में विपक्षी नेताओं की जो बैठक होगी उस बैठक में अध्यादेश पर भी चर्चा हो, अध्यादेश को संसद में हराने पर सबसे पहले चर्चा किया जाए। दिल्ली का अध्यादेश एक प्रयोग है, गैर बीजेपी राज्यों के लिए ऐसे ही अध्यादेश बीजेपी लेकर आ रही है। अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार का अधिकार केंद्र छीन लेगी, अध्यादेश अगर लागू हो जाता है तो दिल्ली से जनतंत्र खत्म हो जाएगा, केंद्र सरकार एलजी के माध्यम से दिल्ली सरकार को चलाएगी, अन्य राज्यों में भी जनतंत्र को खत्म किया जाएगा। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पटना में होने वाली विपक्ष की बैठक से पहले विपक्षी नेताओं को चिट्ठी लिखी है और मांग की है कि विपक्षी दलों की बैठक में सबसे पहले दिल्ली के अध्यादेश को लेकर चर्चा हो। तेईस तारीख को पटना में विपक्षी दलों की बैठक होगी, इसमें विपक्ष के कई नेता मौजूद रहेंगे और विशेष तौर पर 2024 को लेकर यहां पर चर्चा होगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल अपने चिट्ठी के जरिए ये मांग की है कि इसमें सबसे पहले जो अध्यादेश है उसको लेकर चर्चा की जानी चाहिए। और इस वक्त बलराम पांडे मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए। बलराम, अरविंद केजरीवाल ने 23 तारीख को होने वाली बैठक से पहले ये चिट्ठी विपक्षी नेताओं को लिखी है, उन्होंने एक तरीके से मांग की है कि सबसे पहले दिल्ली के अध्यादेश पर चर्चा हो, लेकिन आम आदमी पार्टी के इस मूव को आप कैसे देखते हैं? वहां मौजूद तकरीबन सभी लोगों से उनकी मुलाकात हो चुकी है, लेकिन जो सबसे बड़ा दल है विपक्ष का, उनके नेताओं से उन्होंने मुलाकात का वक्त मांगा, अभी तक वक्त मिला नहीं है, वो लोग भी उस विपक्ष की बैठक में मौजूद रहेंगे, तो ये मूव आम आदमी पार्टी का किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, आपको बता दें कि 23 जून को पटना में विपक्ष की बैठक है और इस बैठक में लगभग सभी विपक्षी दल एकजुट होकर के वहां पर ये निर्णय लेंगे कि 2024 के चुनाव में किस तरीके से विपक्ष मिशन 2024 भारतीय जनता पार्टी का रोकेगा। हालांकि आज दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने विपक्ष के नेताओं को पत्र लिख करके ये मांग की है कि 23 जून को जब पटना में विपक्ष की बैठक शुरू हो तो सबसे पहले अध्यादेश को लेकर के चर्चा हो, क्योंकि जिस तरीके से अध्यादेश दिल्ली के अंदर लाया गया है वो सिर्फ दिल्ली के लिए ही नहीं बल्कि आने वाले दिनों में उन राज्यों में भी अध्यादेश के जरिए सरकार के कामकाज को प्रभावित किया जाएगा जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। यही वजह है कि आज उन्होंने विपक्ष को पत्र लिखकर ये मांग की है कि 23 जून को बैठक में सबसे पहले अध्यादेश पर चर्चा हो और किस तरीके से इस अध्यादेश को राज्यसभा में रोका जाए इस पर एक सहमति बने। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से कांग्रेस ने अभी तक उन्हें मिलने का वक्त नहीं दिया है तो कांग्रेस को लेकर के भी उन्होंने ये कहा है कि सभी विपक्षी दलों को एकजुट होना होगा। और बार बार जब भी उन्होंने मीडिया से बात की है या कभी उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी बात को रखा है तो उसमें उन्होंने यही कहा है कि कांग्रेस को इस अध्यादेश के खिलाफ उनके साथ आना चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई संविधान को बचाने की है, ये लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की है। यही वजह है कि विपक्ष एकजुट होकर के 2024 से पहले ये संदेश दे कि विपक्ष 2024 में भारतीय जनता पार्टी के कदम को रोकने के लिए पूरी तरह से एकजुट है। क्योंकि आप देखिए, जब जब भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं या मंत्री हैं
वो मीडिया से बात करते हैं तो विपक्ष पर हमला करते हुए ये यही कहते हैं कि विपक्ष चुनाव से पहले एकजुट तो होता है, लेकिन जैसे ही चुनाव आता है तो कहीं सीट बंटवारे को लेकर के, कहीं नेतृत्व को लेकर के बिखरता हुआ नजर आता है। यही वजह है कि इस विपक्ष की एकता को लेकर के नीतीश कुमार ने पटना के अंदर विपक्ष की बैठक बुलाई है, जिसमें कांग्रेस भी शामिल होगा, जिसमें आम आदमी पार्टी भी शामिल होगा, साथ ही कई विपक्षी दल भी शामिल होंगे। आपको बता दें कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो शामिल होंगे, इसके अलावा राहुल गांधी भी इस बैठक में शामिल होंगे। अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल खुद इस बैठक में शामिल होंगे। तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष के नेता हैं वो एक मंच पर नजर आएंगे, एक मीटिंग में नजर आएंगे। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि इस मीटिंग के दौरान अध्यादेश के मुद्दे को किस तरीके से आम आदमी पार्टी रखती है और इस पर विपक्ष के नेताओं की क्या प्रतिक्रिया होती है। अगर हम बात करें खासतौर से कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने अभी तक अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है कि वो अध्यादेश पर आम आदमी पार्टी के साथ है या नहीं है। लेकिन जो दिल्ली के नेता हैं खासतौर से कांग्रेस के, वो बार बार समर्थन ना देने की बात करते हैं। जो पंजाब के नेता हैं वो बार बार समर्थन ना देने की बात करते हैं, लेकिन जो शीर्ष नेतृत्व है उसने अभी तक कोई ऐसी बात नहीं कही है जिससे यह स्पष्ट हो कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी को इस अध्यादेश पर समर्थन नहीं देगा। हालांकि अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने यह भरोसा दिलाया था अरविंद केजरीवाल को जब उनसे मुलाकात की थी कि हम विपक्ष को इस अध्यादेश के खिलाफ एकजुट करेंगे और बताएंगे कि इस अध्यादेश को कैसे रोका जाए, तो कहीं ना कहीं अब विपक्ष एकजुट होकर के पटना में बैठक कर रहा है। तो इस बैठक में कैसे अध्यादेश को सामने रखा जाएगा, किस तरीके से चर्चा होगी, उसको लेकर के आज अरविंद केजरीवाल ने विपक्ष के नेताओं को पत्र लिखा है और पत्र के माध्यम से मांग की है कि अध्यादेश एक चिंताजनक विषय है, इसलिए इस पर सबसे पहले चर्चा होनी चाहिए और चर्चा के साथ साथ ये भी विकल्प तलाशा जाए कि कैसे इस अध्यादेश को रोका जाए, क्योंकि आने वाले दिनों में उन राज्यों में भी इस अध्यादेश के जरिए वहां के सरकार के कामकाज को प्रभावित किया जा सकता है जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है। और उन्होंने कहा कि जहां बलराम यहां पर एक पहलू यह है कि कांग्रेस पार्टी ने अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे हो या राहुल गांधी हो, उन्होंने अभी तक केजरीवाल को मिलने का वक्त नहीं दिया है। ये दोनों नेता भी उस बैठक में मौजूद रहेंगे, फिर क्या आपको संभव लगता है कि इसमें दिल्ली के अध्यादेश पर कोई चर्चा होगी? देखिए आपको बता दें कि इस अध्यादेश को लेकर के सबसे पहले विपक्ष के कोई नेता अगर मिलने के लिए अरविंद केजरीवाल से पहुंचे थे तो वो थे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, और उन्होंने अरविंद केजरीवाल को ये भरोसा दिलाया था कि वो इस अध्यादेश की लड़ाई में उनके साथ खड़े हैं और इस विपक्ष की बैठक भी नीतीश कुमार ने ही बुलाई है। तो ऐसे में इस विपक्ष की बैठक की जो अगुवाई है वो नीतीश कुमार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस अध्यादेश पर चर्चा तो जरूर होगी, लेकिन वो चर्चा कितनी सार्थक रहेगी विपक्ष के लिए ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि आप देखिए विपक्ष में जो जो पार्टियां इस बैठक में शामिल हो रही हैं उसमें से अधिकांश पार्टियों ने आम आदमी पार्टी यानी केजरीवाल को इस अध्यादेश के खिलाफ समर्थन दे दिया है और उन्होंने कहा है कि इस अध्यादेश के खिलाफ अगर वोटिंग की जरूरत पड़ी राज्यसभा में तो वो वोटिंग भी करेंगे उनके पक्ष में। तो कहीं ना कहीं 10 से ज्यादा विपक्षी दल आज की डेट में अरविंद केजरीवाल के साथ हैं, और वो विपक्षी दल हैं जो अन्य राज्यों में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जब विपक्ष पूरा एकजुट होगा और इस अध्यादेश पर बात होगी तो संभवतः कांग्रेस को भी अपना पक्ष रखना होगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि कांग्रेस किन मुद्दों को सामने रखती है इस अध्यादेश को लेकर के, क्योंकि बार बार ये देखने को मिला कि कांग्रेस ये कह रही थी कि अगर मध्य प्रदेश और राजस्थान में उनका जनाधार नहीं है तो वहां पर चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि वो एक तरफ तो समर्थन मांगते हैं और दूसरी तरफ हमारे ही खिलाफ चुनाव लड़ते हैं। तो पलटवार करते हुए आम आदमी पार्टी के जो नेता थे और दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज, उन्होंने कहा कि वो दिल्ली और पंजाब छोड़ दें, हम राजस्थान और मध्य प्रदेश छोड़ देंगे। तो कहीं ना कहीं जो टकराव है वो भी देखने को मिल रहा है। राजस्थान में अरविंद केजरीवाल ने जमकर कांग्रेस पर निशाना साधा,
तो ऐसे में जो समर्थन की बात है वो किस तरीके से इस बैठक के दौरान कांग्रेस सहमति जताती है या नहीं जताती है, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला